सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस बहुत ही खास वीडियो में जो कि बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही मेहनत करके और ज्योतिष शास्त्र के महान ग्रंथों से निकाल कर बनाया गया है सिर्फ वृषभ राशि वालों के लिए बंधुओं ऐसा देखने में आया है कि वृषभ राशि वालों की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं रुपए पैसों को लेकर एक बार तो उनके पास पैसा आता नहीं है पैसा आता है तो पैसों की सेविंग नहीं होती है दूसरा घर नहीं ले पाते हैं दूसरी गाड़ी नहीं ले पाते हैं हमेशा इस तरह से जीवन चलता रहता है कि बस कम में ही गुजारा करना है बंधुओं वृषभ राशि वालों की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं किसी तरह की कोई भी सेविंग नहीं होती है प्रॉपर्टी नहीं बन पाती है अगर आपके जीवन में भी इस तरह की कोई भी परेशानियां हो तो वीडियो के आखिर में हमने आपके लिए कुछ उपाय और कुछ सुझाव भी बताए हैं अगर आप वो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बंधुओं जितना हो सके इस वीडियो को आप वृषभ राशि वाले लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बन सकती है किसी की ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप वृषभ राशि के और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बंधुओं अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां हैं तो उन्हें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रोज़ाना बहुत सारी कमेंट्स आती हैं लेकिन आपकी समस्याओं के बारे में हम हमारे अगले वृषभ राशि के वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है वो सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है ज्योतिष विद्या और आपका राशिफल आपको सही समय पर सही कार्य करने के बारे में ज्ञान देते हैं ताकि आप सर्वाधिक लाभ उठा सकें जिन वस्तुओं और घटनाओं की ईश्वर अनुमति नहीं देता है उनको ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही कोई और फाइनेंस फली संकेत कर रहा है है कि ये साल आपके लिए काफी काफी अच्छा रहने वाला है। तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं दरअसल वर्ष की शुरुआत में धन भाव के स्वामी बुद्ध का धन भाव से सप्तम भाव में होना आपके लिए धन प्राप्ति के काफी अच्छे अवसर बना रहा है साथ ही केतु भी आपके लिए अचानक से धन लाभ के संकेत कर रहे हैं जनवरी के अंतिम सप्ताह में शनि राशि परिवर्तन कर चुके हैं नौकरीशुदा जातकों के लिए वेतन में वृद्धि तो व्यवसायी जातकों के लिए बिजनेस में धन लाभ के योग बन रहे हैं मार्च के अंत में गुरु शनि के साथ ही आ जाएंगे जो कि भाग्य स्थान में आपके लिए नीच भंग राज योग भी बना रहे हैं यह समय भी फाइनेंशियली आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है मई में आपको फाइनेंशियल डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर लेने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि शनि और गुरु इस माह में वक्री हो रहे हैं इस समय पैसा थोड़ा रुक रुक कर मिलने के आसार हैं यदि कहीं से पेमेंट मिलनी है तो उसमें देरी हो सकती है कर्ज के रूप में दिया गया पैसा वापस मिलने में भी परेशानी हो सकती है जून के अंत में गुरु वर्ग अवस्था में ही राशि परिवर्तन कर वापस धनु में चले जाएंगे सितंबर तक का समय लगभग हर फील्ड में आपके लिए थोड़ा स्लो रहने के आसार हैं लेकिन सितंबर के पश्चात आपको राहत मिल सकती है अतीत में किए गए निवेश का लाभ भी आपको इस समय मिल सकता है सितंबर महीना फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि लाइफ के हर पहलू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दरअसल इस महीने में गुरु और शनि जहां मार्गी हो रहे हैं वही राहु केतु का राशि परिवर्तन भी इसी महीने में हो रहा है यह आपके लिए शुभ-शुभ प्रभाव डालने वाला समय रहेगा फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी होने के आसार आपके लिए बन रहे हैं इस समय धन प्राप्ति के नए स्रोत भी आप तलाश सकते हैं जो जा तक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं या करने के इच्छुक हैं उनकी आय में वृद्धि के आसार हैं बाहरी कंपनियों के साथ मिलकर व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी आर्थिक रूप से यह समय लाभ देने वाला रह सकता है। नवंबर के उत्तरार्ध में गुरु का राशि बदलकर पुनः भाग्य स्थान में शनि के साथ आना फिर से आपके लिए लाभकारी बना रहेगा नीचभंग राजयोग का लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा भविष्यफल अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 से। 2020 के बीस महीने वित्त लाभ सामान्य तौर पर आपको देते हुए रहेंगे क्योंकि त्रिकोण में स्थित सभी ग्रहों की स्थिति शुभ फल देने वाली कही गई है जिससे ग्रहों का नक्षत्र गोचर आपको लाभ देने के लिए तत्पर रहेगा क्योंकि गुरु आदि जो लंबे समय तक एक ही राशि में विचरण करने की प्रवृत्ति वाले हैं वह वृषभ राशि के धर्म भाव में आकर बहुत ही शुभकारी स्थिति बना रहे हैं जो सुख व सौभाग्य का कारक होती है क्योंकि वृषभ राशि के लिए लाभेश गुरु ही हैं जो अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं अतः छोटी छोटी बातों को छोड़ दें तो कुल मिलाकर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे जिससे आप खुश रहेंगे आप इन महीनों में अपने कार्यालय को और विस्तार देने के लिए अधिक धन को व्यय करने की योजना पर अमल करेंगे वैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु कुछ जरूरी समझौतों में इन दिनों हस्ताक्षर करने के लिए राजी रहेंगे जिससे अर्थ लाभ की गति को बनाए रखने में और अच्छी प्रगति की स्थिति बनी रहेगी भविष्य फल जुलाई 2020 से सितंबर 2020 2020 के ये के महीने वित्त लाभ कराने वाले रहेंगे आपकी उम्मीदें और बलवती होती चली जाएंगी क्योंकि एक के बाद एक सफलताओं का क्रम जारी रहेगा जिसे आपके उत्साह में वृद्धि रहेगी जिस कार्य व व्यवसाय से आप संबंध रखते हैं काल परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार का प्रबंध व कारोबार है उस स्तर से कहीं बढ़कर लाभ होने की स्थिति बनी हुई रहेगी हालांकि पाप ग्रहीय गोचर के कारण आपको कई बार अचानक यात्राओं में जाना पड़ेगा व पुराने लेन देन को चुकाने में अधिक धन व्यय की स्थिति बनी हुई रहेगी हालांकि लाभेश गुरु का गोचर मकर गत होने से आपको धन प्राप्त होता रहेगा आपके काम रुकने वाले नहीं रहेंगे आप अपनी आय को हालांकि बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में रहेंगे आपकी है प्रयास सितंबर के महीने में अधिक सफल रहेंगे क्योंकि बुध का लाभ भावगत संबंध होने से आपको बेहतर लाभ की संभावनाएं बनी हुई रहेंगी जिससे कामकाजी क्षेत्रों में आपका मन लगता हुआ रहेगा भविष्यफल अप्रैल 2020 से जून 2020 2020 के ये महीने आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य बने हुए रहेंगे 2020 के इन महीनों में खास और अर्थ लाभ के लिए उपयोगी बनाने हेतु आपको अधिक परिश्रम करने की संभावनाएं बनी हुई रहेंगी आपको धन लाभ सिद्ध करने के लिए जहां किसी दूर देश की यात्रा में जाने की स्थिति बनी हुई रहेगी वहीं कुछ संस्थाओं के मध्य रुके हुए कामों को समझौते की मेज पर लाना अनिवार्य रहेगा अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में आपका व्यय बढ़ना तय रहेगा जिसे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ धन की व्यवस्था हेतु संबंधित लोगों से कहना चाहिए किंतु आपका काम नहीं रुकने वाला रहेगा क्योंकि लाभ भावगत जून के तीसरे सप्ताह के समाप्त होते होते मंगल मीन राशि लाभ भाव में पहुंचकर आपके लाभ के स्तर को आपकी सोच से कई गुना बढ़ाने की कमर कसे हुए रहेंगे क्योंकि गुरु का गोचर जहां आपके लिए अच्छी स्थिति देने वाला रहेगा वही द्वितीय भावगत राहु आपके धन मामलों में कुछ ना कुछ समस्याएं देता रहेगा जिससे आपकी किसी पैतृक भूमि आदि में अदालत के दरवाजे को आपको खटखटाना पड़ेगा वृषभ राशि के लिए कुछ सटीक उपाय सफेद वस्तुओं का दान आपको इस वर्ष करना है जैसे घी दूध दही शक्कर इन सभी सफ़ेद चीज़ों का आप दान करें जिससे आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए यदि आप भरत की माँ दुर्गा की मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा और शुभ फलदायक रहता है साथ ही श्री सूक्त के सोलह मंत्रों का नियमित रूप से आपको पाठ और जाप करना है यह आपको आर्थिक सम्पन्नता दिलाएगा और समय आपके पक्ष में आया हुआ है इस समय का आप उचित और अच्छा लाभ उठा सकें इसके लिए आपको नियमित रूप से ये उपाय जरूर करना चाहिए आपको एकाक्षी नारियल को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना होगा और उसको लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर मोती लपेट कर, और कुमकुम -कुम, मोली और चावल से उसके ऊपर रोज पूजा करें तो इससे आपके घर में स्थाई लक्ष्मी का वास होगा और कोई भी पैसे की समस्या से आप गुजर रहे हैं या फिर कोई कर्ज आपके ऊपर है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी पैसों की समस्या दिनों दिन अच्छी होती चली जाएगी आपको छह मुखी द्राक्ष को अपने गले में अवश्य धारण करना चाहिए इससे आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कर्म क्षेत्र में बाधा आ रही है या फिर नौकरी में बाधा आ रही है या पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है तो समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा आपको काली वैजंती माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप रोजाना नियमित रूप से पूरे साल भर करना है इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी शत्रुओं संबंधी समस्याओं से आपको आराम मिलेगा और आप अपने जीवन में प्रगति करते हुए दिखाई देंगे यानी जैसे जैसे आप उन्नति करेंगे ये वर्ष आपके लिए उन्नतिदायक है और आप जैसे जैसे उन्नति करेंगे तो आपके शत्रुओं में भी बढ़ोतरी होगी तो उन शत्रुओं के नाश के लिए आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए ताकि आपके जीवन में कोई रोड़े डाल रहा है कोई भी अड़चने डाल रहा है तो वह व्यक्ति अपने ही आप प्रयासों में विफल हो जाए तो बंधु ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो वृषभ राशि के लिए फाइनेंस के लिए जितना हो सके इस वीडियो को वृश्यभ राशि वाले बंधुओं के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें अगर आप वृशभ राशि के और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं